न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि कई भारतीय ऐसे हैं जो विश्व के अलग अलग देशों में बस चुके हैं। दीपावली, ये पर्व न केवल दीपों का पर्व है बल्कि आस्था और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं दीपावली के महत्व और इस दिन दीप जलाने की परंपरा के पीछे के कारणों के बारे में। दीपावली मनाने के पीछे क्या है पौराणिक महत्व? क्या पहले भी ऐसे ही मनाई जाती थी दीपावली? माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का क्यों होता है पूजन? भगवान राम से जुड़ी कहानी क्या आप जानते हैं? अयोध्या में क्यों होती है विशेष दीपावली? दिवाली और अयोध्या का क्या है कनेक्शन? हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और अयोध्या लौटे तो वहां के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए। ये रात अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक बन गई। इसके अलावा ये पर्व माँ लक्ष्मी के आगमन का भी प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि और शांति लेकर धरती पर आती हैं। इसलिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं। दीप जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। हम दीप जलाते हैं तो ये ना केवल हमारे घर को रोशन करता है बल्कि हमारे मन को भी आनंद और शांति प्रदान करता है। दीपों का प्रकाश बुराई और नेगेटिविटी को दूर भगाने का काम करता है। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सत्य और अच्छाई हमेशा विजय की होती है। इसलिए हम अपने घरों में दीप जलाकर जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं। दीपावली केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, ये हमारे समाज की एकता, भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार देते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। ये त्यौहार सभी धर्मों के लोगों को जोड़ता है जिससे सामाजिक सद्भावना बढ़ती है। इसके साथ ही दीपावली का त्यौहार हम सभी को ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अंधेरे में भी प्रकाश की खोज रखनी चाहिए। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। घरों की सफाई, दीयों की खरीदारी, रंगोली बनाना, लक्ष्मी पूजा की त्योहारी जैसे कार्य किए जाते हैं। महिलाएं तरह तरह की मिठाइयां बनाती हैं, बच्चे पटाखों के लिए इंतजार करते हैं। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं। दीप जलाने के साथ साथ कई लोग अपने घर के आंगन में रंगोली भी बनाते हैं। ये ना केवल सुंदरता को बढ़ाता है लेकिन इसे बनाने में शामिल सभी लोगों को एकजुट भी करता है। आज के डिजिटल दुनिया में दीपावली का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ऑनलाइन खरीदारी ने त्यौहार की तैयारियों को और भी आसान बना दिया। लेकिन इन सब के बीच हम ये नहीं भूलना चाहिए कि दीपावली का असली मतलब क्या है, प्रकाश, अच्छाई और प्रेम का पर्व। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दौरान हम पर्यावरण का ध्यान रखें, पटाखों का उपयोग कम करें, प्राकृतिक दीप जलाकर इस त्यौहार को मनाएं। इससे न केवल हम खुद को सेफ रखेंगे बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण को भी बचा सकेंगे। इस दिवाली आइए हम सभी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक प्रकाश और पॉजिटिविटी जीवन की ओर आगे बढ़ें। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।